नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय शास्त्री और आप सभी का हमारे सभी चैनलों में स्वागत है। जी हां, आज हम मौजूद हैं दिल्ली में जहां पर चल रही है एक एल्बम की शूटिंग। एल्बम है भोजपुरी, तो आइए चलते हैं जो इस एल्बम के सिंगर हैं उनसे जानते हैं वो कि किस तरह की ये एल्बम है। और हां जी, भोजपुरिया राजा जी हमारे इस एल्बम के सिंगर हैं, राइटर हैं और इस एल्बम में एक्टिंग भी कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि वो किस तरह के गाने उन्होंने गाए हैं और यहाँ किस तरह का एंजॉय वो कर रहे हैं। राजा जी आपका स्वागत है, आपका भी स्वागत है। आज जो आपकी शूटिंग चल रही है, किस तरह की शूटिंग है और किस रोमांटिक शूटिंग है या कोई क्राइम बेस पे है, कैसे है? सबसे पहले सर मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, शुक्रिया, और बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि अपने न्यूज़ के माध्यम से हम सबको, हमारे दर्शकों से रूबरू कराएंगे। हमारे जितने भी दर्शक बंधु हम लोगों को देख रहे हैं सबको प्रणाम करता हूँ। मैं राजा भोजपुरिया और हम लोग का ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो है, समझिए टोटल सॉन्ग, मतलब समझिए सैड सॉन्ग है। पूरा फैमिली एक साथ बैठ के इस प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। भोजपुरी में एक अलग ही चीज़ हम लोग दे रहे हैं। एसएस फिल्म्स जो है हमारे समीर जी हैं उनके माध्यम से आ रहा है, उन्हीं की ये कंपनी है एसएस फिल्म्स, उन्हीं के माध्यम से हमारा जो गम का मतलब टोटल ऑल सॉन्ग सैड सॉन्ग है। ये हमारी सोनी जी हैं, बहुत सारे एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, समीर भाई भी इसमें बहुत सारे सॉन्ग में एक्टिंग किए हैं खुद, बहुत अच्छा है। आज दर्शकों से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जितने भी गाने हैं सब आप लोग देखें। आप सिंगर हैं, आपका जो गाना है कौन सा गाना शूट हो रहा है, जरा दो बोल एक बार दर्शकों को बताएंगे आप? सर इसमें तो बहुत सारे गाने, सारे गाने। आज गाना कौन सा शूट हो रहा है फिलहाल जो गाना? हाँ बिल्कुल, उसमें छः गाने हैं, छः गाने में से एक मेरा गाना है पहला बार दिल के लगोने में जो होने जा रहा है शूट उसका। बिल्कुल बिल्कुल, ओ पहला बार दिल के लगोने, ओ पहला बार दिल के लगोने, ये रब्बा हम गम के सिवा ना कुछ पाने। ओ पहला बार दिल के लगोने, ये रब्बा हम गम के सिवा ना कुछ पाने। दिलवा के बहुते मनोनी है, दिलवा के बहुते मनोनी, ये रब्बा हम गम के सिवा ना कुछ पानी। हाँ पहला बार दिल के लगोनी, ये रब्बा हम गम के सिवा ना कुछ पानी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा गाना है आपका। तो सोनी जी इसमें क्या कर रही हैं? मैं बस छोटा मोटा रोल कर रही हूँ और मुझे राजा भोजपुरी जी के साथ अच्छा लगा काम करके, मैं एंजॉय कर रही हूँ। यानी कि आप गाना एंजॉय कर रही हैं, तो चलिए आप एंजॉय कीजिए। हम राजा जी आपसे एक चीज और पूछते हैं, जो और जो गाने हैं वो किस तरह के गाने हैं, सैड सॉन्ग ही है या रोमांटिक भी कोई गाना? सर रोमांटिक सॉन्ग भी है, एक पगली का गाना है जी। उसमें एक औरत का विरह को दिखाया गया, जो हमारे बिहार में, यूपी बिहार में, झारखंड में जो एक औरत का विरह होता है उस विरह रस को भी मैंने इस गीत में दिया है। सारी चीजें मतलब इसमें गाना है। दो बोले उसमें गाना है सर, हो कब न करनवा एहु बलम जी, पगली के अपना सतावेला। कब न करनवा एहु बलम जी, पगली के अपना सतावेला। मंगिया में हमर से नूरा सजा के गौना नहीं करावेला। कब न करनवा एहु बलम जी, पगली के अपना सतावेला। जी राजा जी, अब हम आपसे एक क्वेश्चन और करते हैं कि अब से पहले आपकी कौन सी ऐसी एल्बम है जो हिट हुई है? सर हमारी बहुत सारी एल्बम है जो बहुत अच्छा चली है, दर्दे जिगर हो गया, सुफिया ने इश्क हो गया, नैन्सी फिल्म, और बहुत सारी कंपनी से सर आया, एक दो कंपनी नहीं बहुत सारी कंपनी से प्रोजेक्ट आया। अभी तक का जो आपका गाना है सुपर हिट कौन सा रहा? सर एक गाना मेरा चला था देवरे के कहे लगी पापा इरा जऊ, वो गाना था चला था, और दर्दे जिगर के, दर्दे जिगर में गाना, दर्दे जिगर के इलाज भइल बा अब तो सहारा शराब भइल बा। वो गाना था सर नैन्सी फिल्म से आया था, हमारा अनिल भैया किए थे, उसका गाना है। दर्दे जिगर के इलाज भइल बा, दर्दे जिगर के इलाज भइल बा, अब तो सहारा, अब तो सहारा शराब भइल बा। दर्दे जिगर के इलाज भइल बा, दर्दे जिगर के।
एक क्वेश्चन हम आपसे और पूछते हैं चलते चलते, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि भोजपुरी में मोस्टली क्या है कि एक अभियान छेड़ा हुआ है कि गंध, जो कहते हैं गंध, यानी कि जो अश्लीलता परोस रहे हैं लोग, तो आप उसके उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा गंदगी चल रहा है, उसको ख़त्म करना ये हमारी ही जिम्मेदारी, एक कलाकार की ही जिम्मेदारी है, एक राइटर की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है जितना एक गायक को बनती है। ना ही वो गंदा लिखेगा ना ही वो गंदा गाएगा, तो दोनों बराबर, और कंपनी का भी उतना ही है कि उसको गंदा नहीं परोसना चाहिए, क्योंकि वो परोसता है तभी हमारे दर्शक सुनते हैं। देखिए दर्शक सभी प्रकार के हैं, गंदे भी सुनने वाले हैं, अच्छे भी सुनने वाले हैं। अगर 40% अगर गंदे सुनने वाले हैं तो 60% अभी भी अच्छे सुनने वाले हैं। लेकिन क्या कीजिएगा सर, मजबूरी ये है कि मसाला लोग आज के समय में खोज रहा है और सारे लोग उसी के पीछे पड़े हुए हैं। मैं भी 2-4-5 गा दिया था जो हमारे दर्शक बंधु जो हमको बोलने लगे राजा बाबू आप पे ये अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने भी अपना मन बनाया कि मैं भी इससे बहुत दूर चला जाऊँ। और मैं ज़्यादा करके सर अच्छे ही गाना गाता हूँ, बहुत गिने चुने एक दो ही मिलेंगे मेरे बैकग्राउंड में, लेकिन बहुत अच्छे से गाना। तो चलिए चलते चलते हम एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लेते हैं कि अभी आपका आने वाला कौन कौन सा गाना है या कौन कौन सी एल्बम है? सर मेरा अभी जो आ रहा है, जो मैंने इसका नाम आपको बताया, इसका नाम है सर गम का खजाना या सरफिर आशिकी, दोनों में सभी वो क्लियर नहीं हुआ है, दोनों में से कोई एक नाम रखा जाएगा। और इसमें 6 गाने हैं, 6 के 6 मतलब एक से एक, आप लोग जरूर सुनिएगा, बहुत अच्छे गाने हैं। बाकी आपके दर्शक हैं जो आपके चाहने वाले हैं, उनको क्या कहना चाहिए? मैं यही बोलना चाहूँगा भाई लोग कि आज राजा भोजपुरिया जो कुछ भी है यहाँ तक पहुँचा है, सब आप लोगों का प्यार दुलार और आशीर्वाद, माता पिता के आशीर्वाद से पहुँचा हूँ यहाँ तक। और बस ऐसा ही आशीर्वाद और दुआ बनाए रखें कि आपका बेटा बहुत आगे जाए और आप सबका, अपने जिला का, अपने देश का, अपने बिहार का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।